आज जो हम लोग चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस प्रोबेबिलिटी का आगे हम लोग आज पढ़े मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये बेसिकली 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम्स में आता है, बिहार बोर्ड में तो एकदम नेसेसरी है, सीबीएसई में भी आता है, और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसका चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है समझिएगा, बोलता है लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। बाबू मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट वैसे इवेंट को कहते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, यानी एक के होने से दूसरे के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एक के अकरेंस से दूसरे के अकरेंस में कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट है, कौन कौन? ए और बी। देन अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी इज गिवन बाय। देखो मैंने आपको पिछले दिन बताया था, एंड जहां आता है बोथ ए एंड बी उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और जहां और आता है एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट का मतलब होता है एडिशन थ्योरम, और एंड का मतलब बोथ ए एंड बी का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। इसलिए बढ़िया समझिएगा, क्वेश्चंस भी उसी से डिफर करता है, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे मल्टीप्लीकेशन का है कि एडिशन का है। तो अगर जहां बोथ ए एंड बी होगा यानी ये वर्ड लिखा रहेगा इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, और जहां एटलीस्ट ए और बी लिखा रहेगा इसका मतलब है कि एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो गिवन बाई क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। बोलता है कि अगर पी ए इंटू पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तभी वो इंडिपेंडेंस इवेंट होगा, और अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमको निकालना है कि ए और बी दोनों अकर करेगा बोथ ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और, पी ए इंटू पी बी। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, उसको जाकर के बढ़िया से देखो। अब हम लोग इससे रिलेटेड इसको अगर मान लो यहीं पे हम समझते हैं कि इफ ए बी एंड सी थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर दो के जगह तीन इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया तो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। बट बेसिकली इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन बेसिकली इससे आता है पी ए इंटू पी बी से। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो सेकंड सेम डिप्लोमा का ये आखिरी टॉपिक है, इसका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको दो ही चीजें पढ़नी है, एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। 12th में बहुत कुछ पढ़ना है, तो 12th की वीडियोस नेक्स्ट क्लासेस से नेक्स्ट डे से वीडियोस आनी स्टार्ट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ये फाउंडेशन बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 196, एक्सरसाइज 5D, पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो इवेंट है, ये नहीं दिया कि इंडिपेंडेंट है, बोला सिर्फ दो इवेंट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जिसमें पी ए ए आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, पी बी यानी बी आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और ए यूनियन बी दिया हुआ है 1/2। बोल रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है? मैंने अभी बताया था कि जब दोनों का इंटरसेक्शन यानी पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाए, पी ए इंटू पी बी के, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। देखो ये 12th में भी क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड वाले जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12th वालों के लिए क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट इवेंट से, बिहार बोर्ड में तो अक्सर आता है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, पी ए यूनियन बी। अब ये जो पी ए यूनियन बी है इसका फॉर्मूला हम पिछले दिन पढ़ा था कि क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास यूनियन दिया हुआ है बट हमको तो इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन कैसे आएगा? तो
इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 1/2, ये कितना दिया हुआ है 1/4, ये कितना दिया हुआ है, तो इसमें पी ए यूनियन बी दिया हुआ था 1/2, पी ए दिया हुआ था 1/4, पी बी दिया हुआ था 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास नहीं है, ये हमको निकालना है। तो इसको इधर ले आते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी उधर माइनस में था, इक्वल टू किधर आया, प्लस में हो गया। इन दोनों का जब आप जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए तो 12, एलसीएम लेंगे 12 होगा, और ये 3 है तो ऊपर 4 और ये 4 है तो ऊपर 3, यानी 7/12, ठीक। और ये 1/2 उधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बच्चा मेरा जब इसको एलसीएम लोगे 12 और ये है तुम्हारा 7, ये जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ गया 1/12। यानी मेरे को ये पता चल गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है। अब हम निकालेंगे पी ए इंटू बी, पी ए इंटू बी निकालिए, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी क्या होगा जी, देखो तो पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1/12। अब क्या ये दोनों बराबर है, हाँ भाई बराबर है, ये भी 1/12 है और वो भी 1/12 है। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गया, और जब ये बराबर हो गया मेरा लाल तो डेट मीन्स कि ये तुम्हारा प्रूव हो गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करने के लिए बेसिकली इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं यूनियन वाले फॉर्मूला से, और उसके बाद पी ए पी बी को मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं कि दोनों बराबर है। तो ये मेरा हो गया क्या प्रूफ, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है ए डैश बराबर 0.65, ए डैश बराबर 0.65 दिया हुआ है, डेट मीन्स ए नॉट दिया हुआ है। तो अगर आप पी ए निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग पी ए निकाल लेते हैं, पी ए निकालेंगे तो पी ए क्या हो जाएगा 1 पी ए डैश, और पी ए डैश कितना है जी 0.65, तो जो आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.35। सबसे पहले तो ये निकल गया मेरा। अब हमको बोल रहा है कि ए यूनियन बी हमको पता है, कितना पता है, ये पता है, पी बी निकालना है, बी हमको नहीं पता है। तो हमको यूनियन पता है और बी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास पी ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.35, पी बी क्या दिया हुआ है पी, पी बी हमको पता नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको नहीं पता है, यूनियन पता है, ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 0.65, ठीक है। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हम जानते हैं क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ये इधर आएगा तो 0.65 में माइनस हो जाएगा 0.35, है ना, माइनस हो जाएगा 0.35। अब ये बच गया क्या पी, और ये पी ए कितना है जी, तो पी ए तो हमको पता है 0.35, और पी बी कितना पता है, तो पी, ये हमको पता है। तो अब ये मेरे पास रिलेशन हो गया, अब इससे पी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0.65 में से 0.35 को माइनस करोगे कितना बचेगा 0.30, और यहाँ पे P में 0.35 P को माइनस करोगे कितना बचेगा 0.65 P, है ना। तो ये मेरे पास बच गया, P की वैल्यू निकालनी है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 0.30/0.65 बराबर हो गया मेरा P, यानी मेरा P की वैल्यू यही आ जाएगा, यानी P बराबर बेसिकली मेरे पास जो आ गया वो जब इसको कट करोगे तो 30/65, 30/65 को जब तुम काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा कितना 13, यानी 6/13 मेरा बेसिकली आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। बोला एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, एक दूसरा बैग है जिसमें 6 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। बोला एक बॉल इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, दोनों बैग में से एक एक बॉल निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले बोथ आर रेड, फिर बोथ आर ब्लैक, वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक, ठीक है। तो इसको मान लो ये इस तरह का कोई दो बैग है,
ठीक है, एक बैग ये, दूसरा बैग ये। एक पहले बैग में, ये जो मेरा पहला बैग है बैग नंबर वन और ये बैग नंबर टू, दो बैग है बोला ना, ये बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल और सेकेंड बैग कंटेन, तो फर्स्ट बैग ये है सेकेंड बैग ये। फर्स्ट बैग में तीन रेड है और पांच ब्लैक है, दो तरह का बॉल है, तीन रेड बॉल है और पांच ब्लैक बॉल है। सेकेंड वाले में छह रेड बॉल है, सिक्स रेड बॉल है और फोर क्या है, ब्लैक बॉल है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये मेरा बेसिकली बॉल की क्वांटिटी मैंने बता दी, दिखा दी फिगर्स में। अब पहला जो हमको बोला है कि बोथ आर रेड, हमको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बॉल फर्स्ट बैग में से निकाला गया, एक बॉल सेकंड बैग में से निकाला गया, इसमें से भी एक बॉल निकाला गया और इसमें से भी एक बॉल निकाला गया, तो बोला है बोथ आर रेड। तो देखो बोथ आर रेड मतलब दोनों का दोनों रेड होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले में से निकाल रहे हैं, बोथ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड क्या होगा जी, बोथ आर रेड के लिए दैट मीन्स कि पहले वाले में से भी रेड बॉल एंड एंड एंड, क्योंकि बोथ है, बोथ का मतलब दोनों, एंड सेकेंड वाले में से भी रेड बॉल, फर्स्ट वाले में से भी रेड और सेकेंड वाले में से भी रेड, है ना, इसको टू ऐसे लिख दो, सेकेंड वाले में से भी रेड और फर्स्ट वाले में से भी रेड। तो फर्स्ट वाले में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो तो फर्स्ट वाले में रेड है तीन और टोटल बॉल है आठ, यानी पी आर वन जो है, आर वन प्रोबेबिलिटी आर वन जो है फर्स्ट वाले बैग में से, फर्स्ट वाले बैग में तीन रेड है और टोटल बॉल कितना है आठ, यानी तीन बटा आठ, तो इसका हो गया थ्री बटा एट। और पी आर टू, आर टू की जब बात करेंगे तो रेड बॉल कितना है वो पी आर टू, देखो रेड बॉल सेकेंड वाले बैग में रेड बॉल कितना है छह और टोटल बैग बॉल कितना है छह चार दस, तो ये मेरा आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, छह बटा दस का मतलब क्या हो गया तीन बटा पांच, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री थ्री जा नाइन और ये कितना हो जाएगा आठ पच्चीस चालीस, मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोला बोथ आर ब्लैक, यानी एक बॉल जो इसमें से निकाला गया, एक बॉल जो इसमें से निकाला गया, दोनों का दोनों क्या होगा जी, दोनों का दोनों ब्लैक होगा। तो फर्स्ट वाले में से ब्लैक निकालने का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाले में से ब्लैक के टू है पांच, टोटल कितना है आठ, यानी पांच बटा आठ। सेकेंड वाले में से ब्लैक निकालने का प्रोबेबिलिटी, सेकेंड वाले में से, सेकेंड वाले में ब्लैक के टू है चार और टोटल कितना है दस, यानी चार बटा दस। तो अगर बोथ निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, दोनों का दोनों ब्लैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ब्लैक को उसके ब्लैक से, यानी पी बी वन को मल्टीप्लाई करेंगे पी बी टू से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, पी बी वन कितना है पांच बटा आठ और पी बी टू कितना है चार बटा दस, चार बटा दस मतलब दो बटा पांच, पांच से पांच कट गया, इससे कटा, यानी कितना आ गया वन बटा फोर, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और जो क्वेश्चन था, वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक, ये क्या होता है समझो, इसको यहीं पे समझा रहे हैं, उधर बना हुआ है सब, तो थर्ड नंबर मेरा कैसे बनेगा, थर्ड नंबर बोल रहा है क्या, वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि एक रेड होगा दूसरा ब्लैक होगा, बट कौन सा रेड होगा कौन सा ब्लैक होगा ये नहीं पता, हो सकता है कि फर्स्ट वाले में से रेड आए सेकेंड वाले में से ब्लैक आए, या फर्स्ट वाले में से ब्लैक है और सेकंड वाले में से रेड है, दो कंडीशन हो सकता है, तो ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है। जब थर्ड की बात करेंगे तो दो कंडीशन अराइज होगा, पहला कि पहला देखो समझोगे बढ़िया से, पहला कंडीशन ये अराइज होगा कि अगर फर्स्ट वाले से रेड आया, फर्स्ट वाले से रेड एंड एंड मतलब मल्टीप्लाई, पहले हम लिख देते हैं समझ लो, एंड फर्स्ट वाले से रेड आया तो सेकंड वाले से क्या आएगा ब्लैक आएगा, क्योंकि एक एक तो दोनों में से चाहिए, या मतलब और या तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये पहला कंडीशन है मेरा, ठीक है, दूसरा और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो पहले में से इसमें रेड आया था तो अब इसमें से क्या आएगा पहले वाले में से ब्लैक है और दूसरे वाले में से एंड दूसरे वाले में से क्या आ जाए रेड आ जाए, तो ये कंडीशन मेरा अराइज होगा, है ना, दूसरे वाले में से रेड आ जाए और फर्स्ट वाले में से क्या आ जाए ब्लैक आ जाए। तो फर्स्ट वाले में से रेड आया, फर्स्ट वाले रेड वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है तीन बटा आठ, तीन बटा आठ, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में से ब्लैक आया, सेकंड वाले से ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या है जी दो बटा पांच है,
फिर और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, या और का मतलब प्लस। PB1 देखो कितना है, 5/8 और PR2 कितना है, 3/5। इसको कटिंग कीजिए, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको काटिए मत रहने दीजिए, जोड़ने में आसानी होगी। अब ये कितना है, 8 × 5 = 40 और ये 3 × 9 = 6 और ये कितना है, 15/40। जब जोड़िएगा तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 और 21/40 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ये क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का करेंगे, एक जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन बनाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बनाएंगे, आरएसआर वाले का क्वेश्चंस बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, जो 12 वाले लोगों को काम देगा और इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो तब तक के लिए आपका काम है, जाइए एक्सरसाइज बनाइए, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, एक्सरसाइज बनाइए। जो प्रॉब्लम होगा वो हम आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपका काम है, करते रहिए। मेरा काम है वीडियो बनाना, हम उसको बनाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।